हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति एंड हम लोग फाइनली गांव से रवाना हो चुके हैं। यहाँ पे रेलवे गेट लग चुका है, ट्रेन छुक छुक करके आने वाली है एंड सामने चल रही है मूवी कार में, जो हम देखते देखते अपने सफ़र को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ट्रेन आ चुकी है एंड कितने भी दिन रहो, जाते टाइम थोड़ी दुख वाली फीलिंग आ ही जाती है। एंड बच्चे भी अभी फिर कब आएंगे करके पहले से ही पूछना शुरू कर देते हैं। तो हम बोलते हैं जब छुट्टियां पड़ेगी, नेक्स्ट त्यौहार जो भी आएगा उसमें चलेंगे करके बोलते हैं। एंड आदित्य फिर गिनती करना शुरू कर देते हैं कि नेक्स्ट फेस्टिवल कब आ रहा है, कब छुट्टियाँ मिलने वाली है। हेलो, गुड मॉर्निंग। एंड बच्चे पति थे सब स्कूल जा चुके हैं एंड मैंने देखो ये वॉच पहन के रखी है। दिस इज़ अ वाटर प्रूफ डिजिटल वॉच प्लस इट्स अ स्टेप ट्रैकर, मतलब जो हम वॉकिंग करते हैं उसमें कितने स्टेप्स आप चल रहे हो वो सारे काउंट दिखाता है। एंड अभी थोड़ी देर पहले लगाया मैंने, सुबह ही लगाना सोचा था मैंने लेकिन मैं भूल गई। अभी सुबह से नहीं, एक मिनट, सो मैंने सुबह सोचा, एक्चुअली रात से मैं ट्राई कर रही थी कि इसका सेटअप कैसे करना है। एंड अभी इसका पेपर भी मैंने नहीं निकाला है एंड अगर आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखो मैसेज, ये देखो। तो अभी थोड़ी देर पहले लगाया है एंड 428 स्टेप्स हो चुके हैं। एंड जैसे ही इसके यहाँ पे पावर बटन है, टच करते हैं तो टाइम एंड आ जाता है। ये टाइम भी गलत चल रहा है, एक्चुअली टाइम इतना हुआ नहीं है बट सेट करना मुझे अभी आया नहीं है, ओनली स्टेप्स चल रहे हैं। एंड दिस स्टेट, ये आपका बीपी, हार्ट कैसे चल रहा है वो सब दिखाता है। एंड ये वाला जो है आपके वॉक्स को बोल रही हूँ, आपकी वॉक में, इसमें अलग अलग है। अरे यार, इसको दबा के रखने से फिर चेंज होता है। ये देखो रन आ गया, स्किपिंग कर रहे हो तो काउंट करेगा, सेटअप्स कर रहे हो तो काउंट करेगा, तो उस तरह से है। मैसेज भी दिखाता है एंड मोर ऑप्शन में जाएंगे हम तो इसमें कैमरा भी है, ये देखिए कैमरा है। देन लुकिंग फॉर सर्च है, थीम्स है एंड रीसेट कर सकते हैं। एंड इस वाले बारकोड को स्कैन करके इस ऐप को फ़ोन में लगा सकते हैं, तो फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं तब। एंड इसको दबाएंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा। सो बिफोर 428 हुए हैं मेरे स्टेप्स, तो देखो अभी 420 है ना, मैं चलना शुरू कर रही हूँ एंड फिर देखो जितने भी होंगे स्टेप्स वो आ जाएगा। इसमें 428 से 439 हो गया, देखा ना आपने। अभी मैंने दो स्टेप और चल रहा है तो एक दो स्टेप और आ गया होगा, नहीं 439। तो ये जो मैंने लिया है, मैंने दो पर्पस के लिए लिए है। एक तो मैं सुबह वॉकिंग जा रही हूँ इसलिए, आज नहीं गए क्योंकि कल हम दोपहर को आते आते, दोपहर क्या शाम हो गई थी हमको आते आते, तो आते आते हमको दोपहर हो गई थी, तो आज सुबह मैं गई नहीं। और प्लस स्विमिंग में भी क्योंकि वाटरप्रूफ है तो आप कितने देर में लैप्स ख़त्म कर रहे हो उसके लिए भी ट्रैक रखने के लिए इजी है। एंड इसका बेल्ट भी लगाना बहुत इजी है, तो मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया है, 530 रुपीज़ का है ये। मैं आप लोग के लिए अमेज़ॉन का लिंक ढूंढूंगी और डाल दूंगी उसको। बहुत सारी वॉचेस अवेलेबल है 100 अमेज़ॉन पे, मतलब ये वाली जो वॉचेस होती है 150 रुपये में भी है, 250 में भी है, बट जो इतने कम में आती है ना वो वाली इतनी ड्यूरेबल नहीं है क्योंकि उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इसका रिव्यू अच्छा था। फिट प्रो ब्रांड का है ये, फिट प्रो, तो काफ़ी अच्छा है एंड बच्चे भी पहन सकते हैं इसको, किसी भी साइज़ वाले को आ जाएगी। इसका लगाना बहुत ईजी, नॉर्मली बेल्ट रहती है जैसे, वैसा नहीं है, इसमें जैसे होल्स दे रखे हैं ये देखो। एंड यहाँ पे ये ऐसे पिन दिया है, खाली इसको ऐसे घुसाओ एंड जितना आपको टाइट चाहिए जैसा चाहिए उस होल में ऐसे डाल दो बस। हाँ बस ऐसे लग जाता है, सिंपल। मैं निकाल दूँगी इसको, चलो निकाल देते हैं। ट्विंग ट्विंग ट्विंग,
इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल है, तो मैंने तो ब्लैक ही लिया है। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आने के बाद जो है बैग वैग अनपैक करके जो ट्रॉली बैग है उसको ऊपर रख दिया है, और सारे कपड़े दो चार बचे थे वो भी रख दिए। अब बस मुझे नहाना है क्योंकि खाना वाना सब बन चुका है। एंड आज मैं सोच रही हूँ जो बीन बैग के बीन से मैंने अभी तक नहीं डाले हैं, सो पेंडिंग वर्क कुछ रह ही जाते हैं ऐसे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सो स्टे ट्यून, देखते रहिए। हेलो, तो अभी हो चुकी है शाम। एंड कुछ दिन पहले मुझे कुछ बैग्स आए हैं जो बहुत ही क्या बोलते हैं, एक प्यारी लेडी ने मुझे भेजे हैं। शी इज़ अ वेरी जेन्यून पर्सन, उनसे बात करके यू नो आई कैन फील द जेन्यूनिटी इन हर। एंड उन्होंने मुझे कुछ बैग्स भेजे हैं, उनका इंस्टाग्राम पेज है एंड उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर कभी आपसे गलती से इंस्टाग्राम नहीं खुलता है, मान लीजिए इनकेस अगर नहीं खुलता है, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो दिया ही है, आप उनको फ़ोन करके या उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं तो वो आपको ऐड कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल 3 बैग्स भेजे हैं। इसको देखो, व्हाट आर यू डूइंग अभिषेक, यू आर हैविंग स्नैक्स, ओके। सो मैं आपको बैग दिखा देती हूँ, इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा स्नैक्स वैक्स खा लिया है, वही क्या बोलते हैं इसको, ख़त्म। ओके, मैं सोचा दिखाती हूँ, तो यहाँ पे कटोरी में थे वो ख़त्म हो गए। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल बैग्स है, आई जस्ट लव इट। एंड आपको ऐसे बैग्स है, उनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ है बैग्स की, अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में। एंड ये बैग का कुछ ना कुछ कर देगा, नए बैग हैं, बैग्स बहुत 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 अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो मैं सोच रही हूँ आपको भी पहले दिखा दूँ। तो सबसे पहले ये झोला वाला बैग है, ये देखो ऐसे, एंड इसको टाइट कर देंगे तो टाइट, एंड ये इसमें ये दिया हुआ है, सो दिस विल लुक लाइक दिस, झोला दिखता है। एंड ये ब्लू कलर का, अब ब्लू या डार्क ब्लू कलर में मैंने लिया है, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है इसमें, वाइट में है, ब्राउन में है, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। तो आप जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उनके पास ऐसा नहीं है कि बैग्स ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, शी डील इन ज्वेलरी ऑल्सो एंड सारीज ऑल्सो, तो हर टाइप का उनके पास रहता है। तो उन्होंने मुझे बैग्स भेजे, आई जस्ट लव्ड इट। एंड इसका कॉम्बो है, ये देखो यहाँ पे नॉट बंधी हुई है, एंड अंदर का स्पेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए न्यूज़पेपर है। एंड जिप नहीं है, ओनली झोला टाइप जैसे बोलते हैं ना वैसा है,
सो आप आराम से कभी एकदम फटाक से बाहर निकल रहे हो तो आप इसको लेके जा सकते हो, बैग वैग या बच्चों की बॉटल, अगर छोटे बच्चे हैं आपके, बॉटल या पानी की बॉटल जो भी आप कैरी करना है तो इसमें कर सकते हो। काफ़ी स्पेशियस है, अच्छी खासी आ जाएगी। एंड इसके साथ जो कॉम्बो है उसमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलेट आया है। एंड मैं वॉलेट ख़रीदने का सोच ही रही थी क्योंकि जो मेरा एग्जिस्टिंग वॉलेट है वो फट फटा गया है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर वॉलेट, मैं ख़रीदने ही वाली थी, इतने में मुझे इन्होंने भेज ही दिया। सो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप ऐसे बाहर जाते हो तो इसमें आप फ़ोन भी रख सकते हो, आपके सारे कार्ड्स भी रख सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे अपनी फैमिली पिक भी लगा सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए ऐसे पॉकेट दिया हुआ है, नोट डाल सकते हो। एंड यहाँ पे एक जिप दी है और उसके बाद यहाँ पे भी फ्रंट में भी एक जिप दी है, ये दोनों साइड से पॉकेट है ऐसे। तो मुझे ज़्यादा पॉकेट वाले ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब आप वॉलेट में रखते हो चीज़ें तो यू हैव ऑप्शन टू कैटेगराइज, है ना। ये फ़ोन को क्या हो रहा है, लंबा क्यों हो रहा है मुँह ऐसा लगा मुझे। हाँ, सो दिस इज़ वन, कैसा लगा आपको? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ये दोनों का कॉम्बो है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद वाला बैग, यस उसके बाद है ये वाला बैग। एंड इसमें भी ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, सारे कलर्स थे, तो मैंने ये वाला कलर लिया है। डिफरेंट सा लग रहा था मुझे ये। एंड ये देखिए पीछे इसके ज़िपर है, एंड इसका हम ये खोलेंगे तो ऐसे खुल जाता है। एंड उसके बाद वी हैव वन जिप इनसाइड, एंड ये इसकी बेल्ट भी दी हुई है। तो अगर आपको ज़रूरत है इसको लगाना तब लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट यू नो कैरी इट लाइक दिस। सी कितना क्लासी लग रहा है ना। आई जस्ट लव्ड इट। एंड उनका नाम है मोनिका। सो फोन नंबर मैंने दिया है स्क्रीन पे भी, एक बार मैं फ्लैश कर दूंगी क्योंकि बहुत लोग को मैं बोलती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल दिए हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है। सो उसके लिए मैं बता देती हूँ, जो मेरा टाइटल रहता है उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक पन्ना खुल जाएगा जिसके अंदर पूरे लिंक्स दिए होते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन दी होती है वहीं पे रहती है। सो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट हर, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, एंड इंस्टाग्राम का पेज दिया है। सो जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट फेवरेट गुची का बैग, सी दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्लच आई वुड से। जब मैंने पिक्चर में देखा था मुझे लगा कि नॉर्मली जो क्लच आते हैं ना एकदम हाथ में ऐसे पकड़ते उतने साइज़ का होगा, बट आई एम ग्लैड कि इतने बड़े साइज़ का है। एंड ये देखो इसके ऊपर ये का हुआ है अच्छा खासा, ये देखो बहुत ही ब्यूटिफुली इसको लगाया गया है, बहुत ऑसम है। एंड सी द ब्रांड गुची, गुची हाँ वो सोच रहा है, उसको बुला रही हूँ मैं, गुची गुची उसको करती रहती हूँ ना। सो देखो ऐसे है, एंड इसकी जिप है बीच में, वो भी मैं खोल देती हूँ एक बार। एंड उसके बाद अंदर भी सेपरेट दिए हुए हैं, एंड इसके साथ ये एक मिनट चेन भी दी हुई है, चाहे तो आप चेन को, चेन इस चेन को ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। नुआ इसको वो पहने का बोल रहा है। सो मेरे को तीनों में सबसे ज़्यादा पसंद तो ये आया, एंड तीनों का स्टाइल एकदम डिफरेंट है, किसी को कंपेयर नहीं कर सकते ये अच्छा है वो अच्छा है। एंड दिस इज़ द बैग जो शादी वादी में जा रहे हो फुल रेडी होके, अगर आपने इसको टंगा लिया ना सी ऐसे करके तो सब लोग जो है आपको ही देखने वाले हैं, यार ये बैग कहाँ से ख़रीदा। सो इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल है, सिल्वर में है, मैंने तो गोल्ड लिया है, सिल्वर में है, ब्लैक में है, ग्रीन में है, ब्लू में है, सारे कलर्स अवेलेबल है। तो यू कैन चेक आउट द ग्रुप इफ़ यू वॉन्ट। सो दिस इज़ द वन, सो दीज आर द थ्री बैग्स अलॉन्ग विथ दिस कॉम्बो, आई मीन वन वॉलेट इन दिस एंड दिस, अच्छा है ना। सो ये तीनों बैग्स जो है मुझे तो काफ़ी पसंद आए, आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उतने सस्ते में अवेलेबल है। मैं रेट बताऊं इससे अच्छा आप जाके खुद अपनी पसंद का पसंद करेंगे वो बेटर है, पसंद का पसंद करेंगे, राइमिंग हो रही है तो वो बेटर रहेगा। इसलिए आप ग्रुप ज्वाइन करके उनको कॉन्टैक्ट करके बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। आप बाज़ार में एक बैग खरीदोगे वहाँ इनके पास से आपको वैसे तीन बैग आ जाएंगे। सो प्लीज़ डू विजिट हर इंस्टाग्राम पेज, एंड फ़ोन नंबर तो दिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू कैन रीच आउट ऑन द फ़ोन नंबर। हर नेम इज़ मोनिका, एंड मैं जेन्यूनली चाहती हूँ कि उनको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प हो। तो जो भी मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं अगर आपको बैग खरीदने की ज़रूरत है तो आप इनको ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आई विल ऑल्सो फील हैप्पी एंड शी विल ऑल्सो फील हैप्पी।
तो और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बताना चाहूँगी, ये 2-3 दिन से जो एकदम यूट्यूब पे हवा मचा हुआ है कोप्पा का, जो ये एक्चुअली जनरल पब्लिक को शायद समझ में ना आए, जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को पक्का समझ में आएगा। सो कोप्पा से रिलेटेड मतलब चाइल्ड रिलेटेड जो एक रूल आया है जिसको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, मैं शॉर्टकट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसके जो भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो लोगों को पता है, ओनली डाउट इसमें है कि एक्शन क्या लेना है। आपको रफली ही बता रही हूँ, ये है कि जैसे हम कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो कुछ मूवीज होती है ए सर्टिफिकेट जिसको दिया होता है, जो बच्चे वॉच नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बच्चे के माइंड को इफेक्ट हो सकता है वैसी मूवीज देख के, या तो वो सेक्सुअली हो सकती है या तो ज़्यादा क्या बोलते हैं न्यूसेंस वाली या ज़्यादा वॉयलेंस वाली मूवीज कुछ होती है, तो उसके लिए ए सर्टिफिकेट दिया जाता है जो बच्चे नहीं देख सकते। तो ये रूल जो है यूट्यूब को भी स्टार्टिंग से लगा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया। जब उन पर बहुत बड़ा भारी वाला फाइन लग गया तब उन्होंने जो है अभी ये रूल जारी किया है कि जब भी आप अपने वीडियोज़ में बच्चों को दिखाते हैं या बच्चों से रिलेटेड कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं तब आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। वो कहाँ पे, वहाँ पे तीन ऑप्शन है, जो ओवरऑल सेटिंग है वहाँ पे तीन है, यस नो एंड आई वांट टू रिव्यू एवरी वीडियो ऑफ माइन। तो जो लोग का कंटेंट डेडिकेटेडली बच्चों के लिए हो उनको तो यस करना पड़ेगा, जिनका बिल्कुल भी जैसे टेक्निकल चैनल्स हो गए जिनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है उनको तो नो पे करना होगा, लेकिन जो लोग हैं कभी कभी बच्चों को दिखाते हैं कभी कभी नहीं दिखाते हैं, मोस्टली ऐसा ब्लॉगर्स के साथ होता है जो डेली रूटीन्स या ब्लॉग ज़्यादा पोस्ट करते हैं, तो उन लोग को ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा व्हाई आई वांट टू रिव्यू एवरी वीडियो ऑफ माइन। एंड एवरी वीडियो जो भी आप पोस्ट करने वाले होते हैं उसमें एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि यस या नो, ये बच्चों से रिलेटेड है या नहीं है, तो आपको वहां पे नो सेलेक्ट करना है अगर बच्चों से रिलेटेड नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को दिखा रहे हो तो आपको यस सेलेक्ट कर देना है, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ बता रहे हो कि जिससे बच्चों के लिए कोई संदेश जा रहा हो उसी के लिए आपको यस लगाना है, अदरवाइज फॉर एवरी वीडियो यू कैन डू नो। एंड एज रिस्ट्रिक्शन का भी है ही है, 18 साल से ऊपर एंड 18 साल के नीचे, तो नो वाला उसमें भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके वीडियो सब लोग देख सकते हैं तो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत बड़बड़ कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। एंड यस या नो जब ऑप्शन जो डिफॉल्ट वाला पूरे चैनल पे जो अप्लाई होने वाला है जहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं उसमें यस या नो अगर आप चूज करते हो तो वो पूरे चैनल के लिए अप्लीकेबल होता है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो पूरे चैनल के लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। मतलब अप्लीकेबल होगा लेकिन जब भी कोई कंटेंट बच्चों से रिलेटेड होगा यू हैव टू डिलीट सेपरेटली। तो उसमें क्या, अगर आपके पुराने वीडियोज भी आपने कोई बच्चों से रिलेटेड डेडिकेटेडली किए हुए होंगे तो उसमें जाके आप यस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो ये चीज़ करने वाली है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है बट लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि करना क्या है, बच्चों को दिखाना है या नहीं दिखाना है एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी को भी इसके बारे में कोई शंका है एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट इन डिटेल, पूरा एक एक स्पून फीडिंग वाला चीज़, तो आई विल डू दैट। मैंने रफली इसलिए बता दिया क्योंकि ऑलमोस्ट सबको आइडिया आ ही चुका है। अगर फिर भी कोई शंका है तो डू लेट मी नो दैट। एंड अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड ये जो हैंड बैग्स है अगर ये लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हैं, फ़ोन नंबर दिए हैं, कॉन्टैक्ट कर लो, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Oh, 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 oh